हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रन। बच्चों, आज से हम 2-3 दिन रिवीजन करेंगे। जो हमारा कोर्स था वो हमने वहीं स्टॉप कर दिया है। क्वेश्चन आंसर वगैरह अभ्यास कार्य जहाँ तक किए हमने, अब हमारे जो यूटी की तैयारी है वो हमें 3-4 दिन रिवीजन में चाहिए। आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इसमें से आएगा। तो आपको इन तीनों को अच्छे से लर्न करना है, समझना है और पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर सारे मैंने कॉपी में करवा दिए आपको, पहले बोर्ड पे लिख लिख के, और स्क्रीनशॉट लेके भी मैंने आपको भेजे हैं, और कविताएं भी अच्छे से समझाइए और शब्दार्थ भी। आज मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दोहरान करवा रही हूँ, वो आप दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, शब्दार्थ बारंबार, बारंबार यानी होता है बार बार। नमन, नमन यानी नमस्कार, हम किसी को नमन करते हैं यानी नमस्कार। यश, यश किसको कहते हैं? प्रसिद्धि को, यानी कि फेमस को। सागर यानी समुद्र, गर्वित यानी गर्व के साथ। नील गगन यानी नीला आकाश। चरणों यानी पैरों। जल यानी पानी। नैनों यानी आँखों। पर्वत पहाड़। दर्शन देखना। मानस मन। दर्पण शीशा। गर्वोन्नत यानी गर्व से ऊंचा उठा। और पहरे यानी पहरेदार। बच्चों, आप जब भी यूटी देंगे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जिस तरीके से अभी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उसमें आपके सैंपल पेपर आएंगे। सैंपल पेपर को ये मत समझना आप कि ये ही पेपर है। सैंपल पेपर सिर्फ इसलिए है कि उस टाइप का आपके पेपर बनेगा, और आपको क्वेश्चन आंसर ध्यान से करने हैं, मात्राओं का ध्यान रखना है, और साथ में आपको राइटिंग का भी ध्यान रखना है। राइटिंग के भी आपके मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के शब्दार्थ जो मैं आपको बता रही थी। नैनो आँख, पर्वत पहाड़, दर्शन यानी देखना, मानस यानी मन, दर्पण यानी शीशा, गर्वोन्नत यानी गर्व से ऊंचा, और पहरी यानी पहरेदार। अब इसका आगे का अभ्यास करते हैं हम। पेज नंबर 11 पर आइए। यों तो इसने सबकी उन्नति अपनी ही जैसी चाही है, सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है, पर कभी किसी से झुका नहीं इसका इतिहास गवाही है। ऐसे गर्वोन्नत पहरी पर न्योछावर मेरा तन मन धन, भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। तो इसमें लेखक कहता है कि इसने किसकी सबकी उन्नति चाहिए, किसने चाहिए? हिमालय। हिमालय को बताया है कि हिमालय ने हमेशा सबकी तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए है। सबके संग सच्चाई और सुंदरता नीति निभाई, और सबके साथ ये एक जैसा व्यवहार करता है, सबके साथ सच्चा रहता है और सबके साथ एक जैसी सुंदरता या नीति निभाई है, पर कभी किसी से झुका नहीं। और हिमालय की क्या विशेषता है कि वह कभी भी किसी के भी आगे झुका नहीं है, ये क्या है? उसका इतिहास गवाह है। और ऐसे गर्वोद्वृत पहरे पर, और जो ऐसा गर्वोन्नत पहरी है, मतलब हमें इस पहरे पर जो हमारे देश की रक्षा करता है उसको बोलते हैं प्रहरी। उस पे मेरा तन मन और धन निछावर है। भारत के शीश हिमालय को मेरा बारंबार नमन है। और जो भारत है उसका जो शीश यानी कि भारत का सिर क्या बताया है? हिमालय को बताया है, उसको मेरा बारंबार नमन है। हिमालय ने क्या चाहा है? सबकी उन्नति चाहिए। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आएंगे इसी में से, तो क्या है हिमालय ने क्या चाहा है? हिमालय ने सबकी उन्नति चाही है। हिमालय ने क्या नीति निभाई है? हिमालय ने क्या नीति निभाई है? उसने सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है। इतिहास किस बात का गवाह है? इतिहास गवाह है कि ये कभी किसी के आगे झुका नहीं। हिमालय कैसा प्रहरी है? हिमालय गर्वोन्नत प्रहरी है जिसपे हमें गर्व होना चाहिए। तो कवि हिमालय के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा प्रकट करता है? कवि अपना शीश उसके आगे बार बार नमन करता है, और कवि कहता है कि ऐसे प्रहरी पर मेरा तन मन धन
न्योछावर है। अब आते हैं हम इसके पर्यायवाची शब्द पर। देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द होते हैं एक ही शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि सूरज, सूरज को हम रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। बादल यानी घन और मेघ, धरती यानी भूमि और पृथ्वी, पर्वत यानी पहाड़ और गिरी, सागर यानी समुद्र और जलधि। तो सूरज यानी रवि और दिनकर, बादल को क्या कहेंगे, घन और मेघ, धरती भूमि और पृथ्वी, पर्वत पहाड़ और गिरी, सागर समुद्र और जलधि। वाक्य, वाक्य देखिए नयन, सुंदरता, शीश और हिमालय। नयन से हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं कि उसके नयन बहुत सुंदर है। सुंदरता, यह इमारत सुंदरता लिए हुए है। शीश, हमें किसी के आगे शीश नहीं झुकाना चाहिए सिवाय हमारे गुरु माता पिता और भगवान के। या आप कुछ भी लिख सकते हैं कि उस हिमालय हमारे भारत का शीश है। हिमालय, हिमालय पर्वत हमारे देश का गर्व है, या हमें हिमालय पर गर्वित होना चाहिए। तो ये हो गए आपके वाक्य। निम्नलिखित वाचक संज्ञा है, उसको पढ़ना है और समझना है। अब देखो, ऊंचाई, सुंदरता, यश और गौरव, इन सब शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है, भाव प्रतीक उदाहरण। तो यानी कि ये भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं, जैसे ऊंचाई, सुंदरता, यश और गौरव। अब आते हैं हम ग वर्ण की आवृत्ति। देखिए इसमें गौरव गिरी को नीति निभाई है। अब इसमें ग ग दो बार आया है, तो ये हो गया ग वर्ण। यहाँ पे न न आया है, नीति निभाई, तो न वर्ण की आवृत्ति क्या है, इसमें न और न, तो न वर्ण की आवृत्ति है। तो अब आपने देखा कि ये हमने आज चैप्टर वन किया है, इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों मैंने पहले आपको करा रखे हैं, आप अपनी कॉपी में भी देखिए और क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने हैं। कल हम चैप्टर वन के बाद चैप्टर टू की एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।